बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां सीएम योगी देंगे बड़ी सौगात, 20,000 करोड़ के लोन का करेंगे वितरण। जी हां, आज मंगलवार यानी कि 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है। इस मौके पर यूपी के छोटे उद्यमियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे लोकभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री छोटे उद्यमियों को बैंकों के जरिए 20,000 करोड़ रुपए के लोन का वितरण करेंगे। इस मौके पर कई और बड़ी घोषणाएं प्रदेश सरकार की ओर से की जाएंगी। इसमें प्रदेश के 11 उत्पादों को भौगोलिक संकेतांक यानी GI टैग देना भी शामिल है। इसके अलावा इस समारोह में अलीगढ़, कानपुर देहात और सहारनपुर में प्लेज स्कीम के तहत पार्कों की स्थापना का ऐलान भी किया जाएगा। छोटे उद्यमियों के प्रोडक्ट की शानदार एवं आकर्षक पैकेजिंग के लिए भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ एक MOU होगा, जिसके तहत MSME सेक्टर के उद्यमियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मंगलवार को आज प्रयागराज के मंदिरी भगवत में गोबर बायोगैस प्लांट का लोकार्पण भी किया जाएगा। बता दें कि लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को लेकर खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि छोटे उद्यमियों को मजबूत करने और उन्हें वैश्विक मंच पर लाने के लिए तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं। एमएसएमई दिवस पर 20,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा। GI टैग में यूपी की धमक और भी तेज होगी। एमएसएमई दिवस के मौके पर आज प्रदेश के 11 उत्पादों को आधिकारिक रूप से GI टैग दिया जाएगा। जिन उत्पादों को GI टैग मिलेगा उनमें बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, आदम चीनी चावल, बनारसी पान, बनारस का लाल पेड़ा, बनारसी ठंडाई, तिरंगी बर्फी, चिराई गांव का करौंदा और बनारसी लाल भरवा मिर्चा शामिल हैं। इन उत्पादों को GI टैग मिलने से न सिर्फ इन्हें वैश्विक मंच मिलेगा बल्कि उनकी पहचान भी अलग होगी। उदाहरण के लिए बासमती चावल, मखाना और शाही लीची को GI टैग मिलने के बाद इनके उत्पादक किसानों के जीवन में समृद्धि आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।